गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो लास्ट क्लास में क्या स्टडी किया था हम लोगों ने? लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो मल्टीप्लीकेशन स्टडी किए थे, कौन से मल्टीप्लीकेशन थे? मल्टीप्लीकेशन विद कैरिंग के मल्टीप्लीकेशन थे जो कि हम लोगों ने सॉल्व किए थे. एंड आई होप आप लोगों को वो बहुत अच्छे से समझ भी आए होंगे. ओके, नाउ इन दिस क्लास विल स्टडी स्टोरी प्रॉब्लम्स फॉर मल्टीप्लीकेशन. ओके, जैसे हमने एडिशंस में स्टडी की थी, जैसे हमने सब्ट्रैक्शंस में स्टडी की थी, उसी तरह से स्टोरी प्रॉब्लम्स हम मल्टीप्लीकेशंस में स्टडी करेंगे. ओके, एडिशन में हम लोगों ने टोटल देखा था, आंसर में टोटल आ रहा है, हमें कैलकुलेट टोटल कैलकुलेट करना है तो उसमें हम ऐड करते हैं. ओके, अगर हमें डिफरेंस पूछा होता है या फिर हाउ मच लेफ्ट पूछा होता है तो क्या करते हैं? अगर हाउ मच लेफ्ट पूछा है तो माइनस करते हैं. ओके, सब्ट्रैक्शन करते हैं. अगर सेंटेंस में हाउ मच या हाउ मैनी नीड के लिए या फिर मतलब कितने हाथ से ये पूछा जाए, हाउ मच या हाउ मैनी, तो वहां क्या करेंगे हम? वहां हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं. ओके, ऐसे सेंटेंसेस में क्या करते हैं? मल्टीप्लीकेशन. सो एक्सरसाइज 5.9, क्वेश्चन फर्स्ट, देयर आर 48 ट्रीज इन वन रो. एक रो में 48 ट्रीज हैं. ओके, मे बी किसी फॉरेस्ट प्लेस हो सकता है या कोई बड़ा पार्क हो सकता है, जू हो सकता है, कहीं भी एक रो में 48 ट्रीज हैं. ओके, हाउ मेनी ट्रीज विल बी इन 7 रोज. तो ऐसी ही 7 रो में कितने ट्री होंगे? एक रो में कितने ट्री हैं? 48. तो ऐसे ही 7 रो में कितने होंगे? क्या करेंगे? जितने एक रो में है ट्रीज उनको 7 रो से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 48 इंटू 7 इक्वल्स टू आंसर. ओके, 48 इंटू 7 इक्वल्स टू आंसर. ये आपको सॉल्व करना है, 48 इंटू 7 आंसर क्या होता है. ओके, सेकेंड क्वेश्चन, देयर आर 38 स्टूडेंट्स इन वन क्लास. एक क्लास में 38 स्टूडेंट्स हैं. हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल बी इन 6 क्लासेस. तो अगर एक क्लास में 38 स्टूडेंट हैं तो ऐसे ही 6 क्लासेस में कितने स्टूडेंट्स होंगे? कितने होंगे, क्या करेंगे? एक क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं उसको 6 क्लासेस से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, एक क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं उनको 6 क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 38 इंटू 6 इक्वल्स टू आंसर. ओके, 38 इंटू 6 इक्वल्स टू आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, देयर आर 54 फ्लावर्स इन वन बास्केट. एक बास्केट में 54 फ्लावर्स हैं. हाउ मैनी फ्लावर्स विल बी इन 8 सच बास्केट्स. तो ऐसे ही 8 बास्केट्स में कितने फ्लावर्स होंगे? एक बास्केट में 54, ओके, 54 है एक में, तो ऐसे ही 8 में कितने होंगे, मतलब जो 8 है उनमें भी 54 फ्लावर्स हैं. ओके, तो एक बास्केट में जितने फ्लावर्स हैं उनको क्या करेंगे? जितने भी 8 बास्केट्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 54 इंटू 8 इक्वल्स टू आंसर. क्या करेंगे? 54 इंटू 8 इक्वल्स टू आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, देयर आर 244 पेजेस इन वन बुक. एक बुक में 244 पेजेस हैं. ओके, एक बुक में कितने पेजेस हैं? 244. हाउ मैनी पेजेस विल बी इन 4 बुक्स. तो ऐसी ही 4 बुक्स में कितने पेजेस होंगे, मतलब एवरी बुक कंटेन्स
244 pages. ओके, एक बुक में 244 pages हैं, तो ऐसी ही फोर बुक्स जिनमें 244 pages हों तो कितने टोटल पेजेस होंगे. ओके, सो एक बुक में जितने पेज हैं उनको जो फोर बुक्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, क्या करेंगे, एक बुक में जितने पेजेस हैं उनको फोर बुक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे. मतलब 244 इंटू कितने बुक्स हैं, फोर, तो 244 इंटू 4 इक्वल्स टू आंसर. ओके, इक्वल्स टू आंसर. सो क्या स्टडी किया हम लोगों ने, फर्स्ट क्वेश्चन में 48 इंटू 7 ट्रीज, नंबर ऑफ ट्रीज हमें मिल जाएंगे. सेकंड क्वेश्चन, एक क्लास में 38 स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसे ही सिक्स क्लासेस में कितने स्टूडेंट्स होंगे, तो क्या करेंगे, 38 इंटू 6. थर्ड क्वेश्चन, एक बास्केट में 54 फ्लावर्स हैं, तो ऐसे ही 8 बास्केट्स में कितने फ्लावर्स होंगे, क्या करेंगे, 54 इंटू 8, हाउ मैनी आ रहे हैं. ओके, नेक्स्ट, एक बुक में 244 पेजेस हैं, तो ऐसे ही 4 बुक्स में कितने पेजेस होंगे, तो क्या करेंगे, 244 इंटू 4. ओके, 244 इंटू 4. सो एक्सरसाइज 5.9 क्वेश्चन 1 to 4 यू हैव टू डू इन योर होमवर्क. ओके, यू हैव टू डू दीज इन योर होमवर्क, एंड आई हैव सॉल्व दीज टू मच, एंड नाउ यू हैव टू सॉल्व मोर एज इन अ सिंप्लीफिकेशंस. ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं आता है, तो आप पूछ सकते हो. ओके, बाय.